अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए होंडा BRV का एक वॉक अराउंड लेके आया। इस वीडियो में इस गाड़ी के एक्सटीरियर इंटीरियर ऑप्शंस की बात की जाएगी और इस गाड़ी की प्राइस भी आप लोगों को बताई जाएगी। ये गाड़ी कहाँ पर अवेलेबल है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन मस्त है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर आप एक अच्छी और सस्ती 0 मीटर फैमिली सेडान सॉरी कह रहा हूँ एक MPV लेना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी आप लोग के लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। ऑल दो इट साउंड्स बिट क्रेजी बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि जिस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी आप लोगों को मिल रही है इस प्राइस पॉइंट पे 0 मीटर आप लोगों को कोई भी 7 सीटर अवेलेबल नहीं होगी। आपको यूज्ड मार्केट में तो मिल जाएगी बट 0 मीटर नहीं मिलेगी। अगर 0 मीटर की तरफ जाना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी आप लोगों के लिए एक अच्छी रिलायबल ऑप्शन हो सकती है। होंडा BRV है, 2023 का मॉडल है और वीडियो के एंड में इस गाड़ी की प्राइस बताऊंगा। कुछ इस तरह की इसकी की आती है, बेसिक ही है, मतलब सिविक एक्स की तरह की इसकी की आती है जिसमें आपका लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। सिविक एक्स सॉरी कह रहा हूँ, ये होंडा सिटी की तरह की है जो लेटेस्ट आ रही है। लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। फ्रंट पर आपके पास प्रोजेक्टर सेटअप है, हाई बीम में हेलोजन लाइट ही दी जाती है। ये इसकी पार्किंग लाइट है जो कि वंस अगेन एक DRL की लुक दे रही है, हालांकि DRL के तौर पे काम नहीं करती, इसकी पार्किंग लाइट है। हेलोजन इसके इंडिकेटर्स मिल रहे हैं। देन आपके पास क्रोम की ग्रिल आ जाती है गाड़ी में। कोई फ्रंट कैमरा वगैरह आपको नहीं इस गाड़ी में मिलता। बम्पर की बात की जाए तो बम्पर में नीचे ये क्रोम के एक्सेंट्स आपको मिल रहे हैं, फॉग लाइट्स आ जाती है और ब्लैक विद सिल्वर के एक्सेंट्स भी आपको मिल रहे हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा सा रगेड बना रहे हैं। देन आपके पास ये फेक एयरवेंट्स आ जाते हैं। साइड पर ये प्लास्टिक क्लैडिंग जा रही है जो कि ऑल द वे ओवर फेंडर्स एंड बैक तक चाहती है। गाड़ी में अलॉय रिम्स आपको मिल जाते हैं जिनके डिज़ाइन की बात की जाए, डिज़ाइन तो अच्छा है बट गाड़ी के इस तरह कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज के बहुत छोटे लगते हैं गाड़ी पे। 16 इंचेज़ है, 195/60R16 बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। साइड की बात की जाए तो LED टर्न सिग्नल्स, क्रोम डोर हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। ऊपर काफ़ी मैसिव और ये स्ट्रॉन्ग रूफ रेल्स हैं, देख सकते हो इतने ज़्यादा लाइट नहीं है। साइड पर आपके पास एयर प्रेस मिल जाते हैं। बैक पे आ जाएं तो कुछ इस तरह की इसके लुक है। अब गाड़ी बहुत ज़्यादा पीछे खड़ी है तो इस वजह से अभी मैं नहीं दिखा सकता। ऑलरेडी मैंने डिटेल रिव्यू किया हुआ है और ड्राइव रिव्यू भी किया हुआ है तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऊपर शार्क फिन एरियल आ जाता है, रेयर वाइपर आ जाता है, देन हाई माउंट ब्रेक लैंप आपको मिल जाता है। अच्छा, पहले BRV 3 वेरियंट्स में आती थी जब होंडा ने इसको लॉन्च किया और इस वक्त ये गाड़ी सिर्फ एक ही वेरिएंट में आती है जो कि टॉप वेरिएंट है S, और ये CVT के साथ आता है। मैंने अपनी एक वीडियो में गलती से कह दिया था प्रोस्मेटिक आता है, प्रोस्मेटिक में नहीं आता, इस CVT गियरबॉक्स के साथ आती है। अब टॉप वेरिएंट है तो इसमें लेदर सीट्स मिल रही हैं, BRV की स्कफ प्लेट्स आ जाती हैं, हर जगह चीप हार्ड प्लास्टिक वाली फीलिंग आपको मिलती है। ऑप्शन वाइज बात की जाए तो इतने ज़्यादा कोई गाड़ी में ऑप्शंस नहीं है। 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। सिर्फ ड्राइवर साइड पे आपके पास पैसिव एंट्री की ऑप्शन मिल जाती है। मैनुअली कंट्रोल सीट विद हाइट एडजस्टमेंट भी मिल रहा है, थैंक गॉड। अब इसमें होंडा ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की थी। शुरू में आपके पास पुश स्टार्ट नहीं आता था, देन आपके पास ये आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आती जो कि होंडा ने इसके बीच में एक फेसलिफ्ट किया था तो उसमें दे दी थी। मीटर आपको इसमें होंडा सिटी वाला ही मिल जाता है। गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, हर जगह ये देख सकते हैं हार्ड प्लास्टिक, जिस तरह प्रीवियस जनरेशन सिटी थी वो हर जगह चीप हार्ड प्लास्टिक वाली आपको वाइब आती है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स आपको मिल रहे हैं, अच्छी बात है। ऊपर थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। AC एक सेकंड थोड़ा सा गाड़ी को स्टार्ट हो लेने देते हैं। ऑलमोस्ट 0 मीटर गाड़ी है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि ये गाड़ी कितना डन है। ट्रिप ए ट्रिप एवरेज आ गई, ट्रिप बी आ गया एंड दैट्स इट। एक सेकंड भाई बंद हो जा, बंद कर लेते हैं। अच्छा जी, 31 किलोमीटर से डन है टोटल, ये देख सकते हो ट्रिप ए ट्रिप बी एंड दैट्स इट। सॉरी 327 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, ये है, मैं वो ट्रिप का आपको बता रहा था। अच्छा, गाड़ी में डुअल एयरबैग्स आते हैं, यहाँ से आप अपने फ़ैन की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, AC ऑन ऑफ, और इसमें डिजिटल AC है बट क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है इसमें। यहाँ से आपको इसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, ऑटो क्लाइमेट नहीं है I mean to say। देन होंडा ने ये सिस्टम भी चेंज किया है, ये इसमें जो आपके पास आई गेस
सिविक से मिलता जुलता, पहले इतना बड़ा सिस्टम नहीं आता, पहले छोटा सा सिस्टम आता था जो कि आप, मैं ऊपर आई कार्ड में लिंक लगा दूंगा वीडियो का, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। गाड़ी में वुडन ट्रिम्स आ रही हैं, ये इसके लुक को थोड़ा सा बेहतर बना रही है। ग्लव कंपार्टमेंट में अच्छी स्पेस मिल जाती है। गियर बॉक्स में CVT गियर बॉक्स है, बट स्टिल मुझे इस चीज़ से क्या है कि इसमें कोई लाइट नहीं है, ना ही कोई इंडिकेशन दे रहा है कि गाड़ी कौन से गियर में है, विच इज़ अ डाउन साइड, मतलब रात को नहीं पता चलता। पर हाँ, इवन आपके क्लस्टर में भी एक बहुत छोटा सा करके दिया गया है, इसका यहाँ से देख सकते हैं गियर इंडिकेशन। दो आउटलेट आ जाते हैं, 12 वॉट आउटलेट यहाँ पे दिया गया, ऊपर थोड़ी सी स्पेस दी है जिसमें आप फ़ोन वगैरह होल्ड कर सकते हैं। कप होल्डर्स, आर्म रेस्ट की बात की जाए तो आर्म रेस्ट में आपके पास मुनासिब स्पेस मिल जाती है, काफ़ी छोटी है बट क्या कर सकते हैं। ऊपर इसको लेदर में फिनिश किया गया है, नीचे कुछ भी नहीं है इसके, जो कि थोड़ी देर रखने के बाद ना आपको पेन फील होना शुरू हो जाए। सीट्स थोड़ी सी स्टिफ हैं, बच्चों के 0 मीटर गाड़ी है, मतलब नई गाड़ी है, तो इस वजह से सीट्स इसकी थोड़ी सख्त हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ठीक हो जाती हैं। ग्रे इसको ये आगे से पाउडर कोट किया गया है, हैंडल्स को भी, और ये ग्रे किया गया, और ये भी बहुत, हर चीज़ इस गाड़ी में ना आपको बहुत ज़्यादा चीप फील हो रही है। बट एक अच्छी चीज़ है, रेयर के लिए सेपरेट एयरवेंट्स दिए गए हैं, जो कि मैं पीछे चल के दिखाता हूँ, बट पहले इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आ जाते हैं। बेसिक एंड्रॉयड सिस्टम है जिसमें आप अपनी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं, ये देख सकते हैं जीमेल, यूट्यूब वगैरह आप इस पे चला सकते हैं। साउंड क्वालिटी मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इस गाड़ी में, जो कि आई थिंक सो इजी टू यूज़ होगी, इतना ज़्यादा इशू होने वाला नहीं है। गाड़ी में फ्रंट पे भी अच्छी स्पेस है, बैक पे भी, और इवन 7 सीटर आप इसको एज ए यूज़ कर सकते हैं, और बैक पे भी एसी की थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है इसकी। बैक के लिए आपको एयर कंट्रोल इस साइड पे दिया गया है, और थ्रो सेकंड रो के लिए तो काफ़ी बेहतरीन है, एंड आई थिंक सो के थर्ड रो तक भी इसकी थ्रो जानी चाहिए। फ़िलहाल इसको बंद कर लेते हैं। देन आपके पास बैक पे भी देख सकते हैं, मतलब बॉटल होल्डर्स वगैरह गाड़ी में काफ़ी अच्छे दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, और ऊपर आपको गाड़ी में 4 ग्रैब हैंडल्स मिल रहे हैं। पीछे अच्छी स्पेस है, स्पीकर्स भी पीछे दिए गए हैं, और 2 फ्रंट पे दिए गए हैं और 2 बैक उस साइड पे दिए गए हैं। बैक पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी मुनासिब स्पेस है, मतलब पीछे आप बच्चे ईजिली बिठा सकते हैं, और इवन इसके डिग्गी में भी ऑल सीट्स आप, इसके बूट में भी आपके पास ऐसी स्पेस है कि एक आधा आप अपना बड़ा बैग कैरी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस गाड़ी की प्राइस आप लोगों को बताते हैं, और ये कहाँ पे अवेलेबल है। ये गाड़ी की प्राइस की बात की जाए तो 65 लाख रुपीज़ डिमांड की जा रही है इसकी सैगल मोटर स्पोर्ट्स की रावलपिंडी ब्रांच पे। सो अगर ये गाड़ी ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ से इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेल गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन मस्त है, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।